अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, स्पेशली ये मेरी वीडियो यूट्यूबर्स के लिए है जो यूट्यूब पे वीडियोस या शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करते हैं। और स्पेशली शॉर्ट्स अपलोड करते वक्त अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, थंबनेल वैसे स्पेसिफिकली यूट्यूब ने कोई शॉर्ट्स पे थंबनेल जिस तरह से हम वीडियोस पे बना के अपलोड करते हैं एक सेपरेटली, तो शॉर्ट्स के लिए नहीं है ये फीचर। लेकिन इसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने आपको वीडियोस अपलोड की हुई होंगी, आपको बताते होंगे कि शॉर्ट्स पे थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि शॉर्ट्स के लिए आप लोग थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो इसलिए मेरी इस वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और मेरे साथ रहें। अच्छा व्यूअर्स, मेरी इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा क्योंकि आपको सारा कुछ मैं बताऊंगा कि शॉर्ट्स पे थंबनेल कैसे बनाते हैं और स्पेशली कैनवा में थंबनेल आपके शॉर्ट्स पे थंबनेल कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो पहले हम कैनवा ओपन कर लेंगे। कैनवा में फिर आगे जाके फर्दर आप अपना शॉर्ट बना लें। शॉर्ट में फिर आप स्पेसिफिकली जो चीज़ आप थंबनेल के लिए देना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं या कोई इमेज डालना चाह रहे हैं थंबनेल के लिए, कि आप चाहते हैं कि जब भी YouTube के मेन्यू में आपका शॉर्ट नज़र आ रहा हो तो वो चीज़ नज़र आए, आपकी पिक्चर जो भी पिक्चर इमेज या टेक्स्ट नज़र आए, तो आप इसको गौर से देखें। कैनवा में आप अपना शॉर्ट बना लें, उसके बाद ये देखें जैसे मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट की इमेज बनाई हुई है, तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा इसके ऊपर। और यहाँ पे हम शो टाइमिंग में जाएंगे, जो टाइमिंग है तो उसकी हमने जितने भी शॉर्ट का ड्यूरेशन आपको पता ही है 1 मिनट का होता है, तो हमने हाफ में इसको लेके जाना है। इसका जो टाइम है हमने सेट करना है कि हाफ में हो, मिड में हो इसके शॉर्ट के। तो वो जो चीज़ है वो जब आप इसको वीडियो कंप्लीट करके इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद फिर आप देखेंगे, जैसे मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ डाउनलोड करके इस वीडियो को, कि ये जो है इमेज जो मैंने अपलोड की थी इसमें एडिटिंग के दौरान, तो वो ऑलमोस्ट मिड में आ रही है। ये देखें 10 सेकंड्स का गैप है इसके इसकी टेक्स्ट में। तो जब हम इसको अपलोड करेंगे उसमें यूट्यूब में, तो ये चीज़ आपके फ्रंट पे आएगी एज अ थंबनेल आएगी। तो अगर आपको इस कैनवा में आप बनाना चाहते हैं तो इसको फॉलो करें, तो आप यकीनन आपका थंबनेल बन जाएगा। और अगर मज़ीद भी वीडियो अपलोड करते वक्त यूट्यूब पे नहीं आता, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि यूट्यूब में अगर आप कैनवा से बना लेते हैं वीडियो, एडिट कर लेते हैं कैनवा या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, इस ट्रिक में मिड में आप लोग उसके टाइम सेट करेंगे, तो उसके बाद भी फिर भी अगर वो नहीं अपलोड हो रहा, अपलोडिंग दौरान शो नहीं हो रहा शॉर्ट के ऊपर, तो इसके बाद एक और मैं ट्रिक बताऊँगा, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो आप मेरे साथ रहें। तो फिर भी अगर अपलोड नहीं हो, अपलोडिंग के दौरान आपका जो शॉर्ट अपलोड करते हैं यूट्यूब में नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा आपका थंबनेल, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूट्यूब में जब आप अपलोड करते हैं तो मज़ीद आप कौन सा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो डिज़ायर्ड थंबनेल है वो नज़र आना चाहिए आपके व्यूअर्स को। व्यूअर्स, मेरी अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।